हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हम दीदी लोगों के घर से आ गए हैं नीचे पेपर देने के लिए, और थैंक यू सो मच दीदी का यार, मतलब दीदी ने इतनी ज़्यादा खातिरदारी करी ना हमारी, सही में इतनी तो मेरी अपनी दीदी भी नहीं करती है भाई। सबसे बड़ा थैंक यू तो अंजलि दीदी को, जिन्होंने हमें रहने के लिए बताया कि सुबह फोन आया उनका कि हमारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, मतलब कम से कम हमारा होटल का खर्चा तो बच गया। मतलब इतनी बार जब पेपर करवा रहा है उत्तराखंड सरकार, मतलब मजाक बना रखा है पेपर का, बार बार करवाओ। और आज का पेपर देने का ना सही में मेरा 1% भी मन नहीं है, सही में बिल्कुल भी नहीं, जैसे देखा जा रहा है ना लोगों को, मतलब जो धरने पे बैठे हुए हैं युवा, उनको इतना मारा जा रहा है बिना बात के, क्योंकि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो भाई उसमें गलत क्या है, मतलब वो कुछ क्राइम तो कर नहीं रहे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए भी उनको पीटा जा रहा है। और दूसरी बात कि जो धांधली की लिस्ट आई थी उसमें भी उनका जो नाम दे रखे हैं, क्या प्रूफ है कि वो नाम असली हैं कि नकली हैं, मतलब ना उनका एड्रेस दे रखा है, ना उनके, हाँ ना उनके पापा का नाम दे रखा है, कुछ नहीं, बस रोल नंबर, वही तो रोल नंबर दे रखा है। तो मतलब फेक भी तो हो सकता है ना, वो अपने मतलब जो उनके चमचे हैं, चमचागिरी तो कर रहे हैं वो एक तरफ से, उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वही तो, इतने तो होंगे नहीं, दो पेज में नाम दे रखे हैं, वो भी पूरे नाम नहीं दे रखे हैं। तो मतलब हमेशा से ऐसे ही होता जा रहा है उत्तराखंड में, इससे पहले वाला पेपर भी लीक हुआ था, तो आज का पेपर का भी श्योर नहीं बोल सकते है कि ये कोई भरोसा नहीं है। मैं तो सिर्फ मतलब ये है कि फॉर्मेलिटी करने के लिए जा रहे हैं, और बस यही कहना चाहेंगे, मतलब जो गुनहगार हैं यार उनको सामने लाओ, मतलब छुपा क्यों रहे हैं उनको, उनकी चमचागिरी पता नहीं कब तक चलेगी। तो फिलहाल अभी चल ही रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं पेपर देने के लिए भी। तो दोस्तों, टिहरी का मौसम देखो कैसा हो रखा है, अभी बादल पूरे नीचे आ रखे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखो, ये है बौराड़ी मार्केट, नीचे है साई चौक, और यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है ना, ये देखो पूरे बादल नीचे दिख रहे हैं। देखो दीदी भी यहाँ से व्यू का मस्त एंजॉय ले रही है, कह रही मेरी फोटो खींचो बोले यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे। हाँ तो कल अभी बारिश आई ना, हाँ ज्यादा बारिश आई तो अच्छा, ठंडा कितना हुआ भाई कल, खतरनाक वाला, ऐसा लग रहा था हम चोपता में है, चोपता तुंगनाथ में। तो ये देखो ठंडी हवाएं चल रही हैं अभी, ये देखो मस्त वाला व्यू है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरा तो, रुक जाऊँ फिर यहीं, रुक जाऊँ यहीं, पेपर देके वैसे भी फायदा नहीं है, व्यू तो एंजॉय करेंगे व्यू तो एंजॉय करेंगे कम से कम। देखो यार, एग्जाम के बाद हम सीधे गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे यहाँ से, तो इसलिए रास्ते के लिए हम थोड़ा यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, तो हमने ये काले वाले अंगूर और थोड़े से किन्नू लिए हैं क्योंकि भूख भी लग जाएगी, और स्ट्रॉबेरी भी, पर मुझे ये मार्केट वाले अच्छे नहीं लगते हैं, घर वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हैं गणेश चौक पे, और यहाँ पे ना इतने सारे विद्यार्थी आ रखे हैं ना पेपर देने के लिए, सही में मुझे उनको देख के मतलब ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि मुझे खुद को देख के नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने तो तैयारी कर नहीं रखी है, मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा पटवारी निकल जाएगा, लेकिन दीदी को देख के या फिर जो और लोग आ रखे हैं ना उनको देख के दुख लग रहा है कि मतलब लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, इतनी तैयारी करके आ रहे हैं, और लास्ट में ये लोग बेवकूफ़ बना दे रहे हैं उनको, तो उनको देख के मुझे दुख हो रहा है यार सही में। जब कोई इतनी मेहनत करता है उसके बाद मतलब उसको रिजल्ट का जब टाइम आता है और उसके बाद बोलेंगे लीक हो गया, तो दुख तो लगता ही है यार, तो मुझे अभी उनको देख के दुख लग रहा है। तो अभी वीपुरम के लिए हम गाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मिलेगी कहीं पे तो। तो अभी हमें गाड़ी नहीं मिल रही है हमारे सेंटर पे जाने के लिए, तो यहाँ से हम लिफ्ट लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हाँ यार गाड़ी ही नहीं लगी, वो कह रहे जब पूरे सवारी होंगे तब ले जाएंगे हम, तो पूरे सवारी तो 1 बजे तक होंगे, तब क्या होगा, लिफ्ट भी कहाँ मिल रही है, लिफ्ट भी नहीं दे रहे यार लोग, रुकाने इनको रुकाते हैं, इन्हीं रुको, यहाँ पे रुक रहे भी पूरा, अरे ऐसे ही कर, अरे भयंकर बोलने भी नहीं दिया पूरा ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे 3 रोड है ना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रोकेंगे, हाँ एक रोड इधर, एक रोड नीचे, एक रोड इधर और एक रोड ऊपर। तो पिछली बार हम यहाँ पे रुके थे इस वाले होटल में, तो भाई अच्छा पागल हो गए यार, लिफ्ट मांग के हम कसम से। और अभी हम पहुंचे हैं दीदी के एग्ज़ाम सेंटर में, तो दीदी का एग्ज़ाम सेंटर है वीपुरम में, महिला नरेंद्र महिला विद्यालय करके कोई स्कूल है, तो वहीं पे इसका एग्ज़ाम सेंटर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके एग्ज़ाम सेंटर में मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं इसको छोड़ने के लिए यहाँ पे आ रखी हूँ, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ यार, जिस एग्ज़ाम के लिए आप लोग देख सकते हो जगह जगह पर लोग इतना धरना दे रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, इतनी मार खा रहे हैं, इतना रो रहे हैं, तो सही में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं इस एग्ज़ाम को दूँ। खैर वैसे भी मेरी तैयारी थी नहीं, मैं घर से ही सोच के आई थी कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मैं सिर्फ दीदी को कंपनी देने के लिए यहाँ पे आ रखी थी। तो मतलब उत्तराखंड के एग्ज़ाम का ना कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, इस बार लीक हो भी सकता है, फिर से भी लीक हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, मतलब जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम है ना इसमें अगर आपकी पूरी 100 की 100 नंबर भी आ रही है ना 100 में से, तब भी इंसान खुद को ना मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सकता है कि मैं इस एग्ज़ाम में जो है कि सेलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे तो आपने देखा होगा जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी इतने नंबर आ रही हैं तो क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उत्तराखंड के हाल इन्होंने इतने बेकार कर दिए ना, अगर किसी बंदे के 100 में से 100 नंबर भी आ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ होगा ही, या तो फिर वो पेपर ही कैंसिल हो जाएगा,
का या फिर दोबारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपने देखा होगा, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं आजकल उत्तराखंड को लेके। तो यहाँ तो पेपर लीक होना मतलब ऐसी आम सी बात हो गई है। तो ये वाले एग्ज़ाम को भी हम श्योर नहीं बोल सकते हैं कि ये मतलब इसका रिजल्ट फाइनल होगा। रिजल्ट आने आने तक भी भाई, रिजल्ट आने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा वीडियो का पेपर, उसमें तो सिलेक्शन भी हो गया था, हमारे साइड के भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। यार कितनी खुशी होती है, घर वाले सारे बधाई देते हैं, गांव वाले इतनी बधाई देते हैं, और उसके बाद आपको बोला जाए कि ये एग्ज़ाम जो है कि कैंसिल हो गया, फिर से दोबारा किया जाएगा। इसमें धांधली हो रखी थी, मतलब धांधली होना एक आम बात हो गई भाई, इनके लिए खेल हो गया है। तो बस इसीलिए मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वैसे मैं घर से ही सोच के आई थी कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगी, तो इसने बोला कि मेरे साथ चल ले, तो बस मैं इसको कंपनी देने के लिए ही आ रखी हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब उत्तराखंड सरकार के ऊपर इतना दबाव बना दो ना कि उत्तराखंड सरकार को झुकना पड़े हमारे सामने। क्योंकि कब तक यार युवा इतने मेहनत कर रहे हैं, बुढ़े हो गए। अभी हमारा एक सब्सक्राइबर आ रखा था यहाँ पे, वो कह रहा था कि मैंने परीक्षा वाणी नहीं भी होगी, मैंने 20-30 बार पढ़ ली, मेरी कॉपियाँ घिस गई, मेरे हाईलाइटर घिस गए, इतनी पढ़ाई कर ली मैंने, देहरादून में रह रहा हूँ, घर वालों से फ़ोन पर बात नहीं होती, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं यार बच्चे, मतलब उनको देख के तो बहुत ज़्यादा दुख होता है यार कि किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करो और लास्ट में मतलब ये उत्तराखंड सरकार इतना मजाक बना दे उनका। तो इसके लिए सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो दीदी अभी जाएगी ऊपर और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं 3 घंटे यहाँ पे क्या करूँ, तो देखती हूँ अभी फिलहाल तो ऐसे घूमती रहूँगी, बैग वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए हैं। क्या कहना चाहोगे आप एग्ज़ाम को लेकर, होगा ये लीक? पता नहीं, अभी तो जा रहे हैं देने के लिए, कुछ पता नहीं है। हाँ बच्चे तो काफी आ रखे हैं, लोग तो आएंगे ही ना, जिन्होंने तैयारी करी होगी वो तो आएंगे ही। कैंसिल होना चाहिए पेपर, क्योंकि सही बात है, जो जिनका वो धांधली में जिनका नाम आ रखा ना बच्चों का, वो पेपर दे रहे हैं, तो सही बात है। जिन्होंने हाँ जिन्होंने धांधली करी है उनका भी फिर से बोल, उनको निरस्त कर दो ना सीधे, उनको सीधे निरस्त ही कर दो गवर्नमेंट एग्जाम से कि ये गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या बोलूँ, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो बेगुनाह होते हैं ना उनको सजा मिलती है, जो गुनहगार होते हैं वो खुलेआम घूमते हैं। तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उनको फिर से एग्ज़ाम देने के लिए क्यों बोला जा रहा है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर इसका वेट करूँगी और देखते हैं फिर जो जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ अपडेट देती रहूँगी। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 9:54 और अभी ये जाने लगे अपना पूरा कागज़ पुगज लेके। चल ठीक था वाह बाय, एक मिनट रोना मैंने दिया ज्यादा तो मैं उधर यहाँ एक मिनट में चल बाय 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 निकलो था ठीक है। तो दोस्तों अभी दीदी तो चलेगी है पेपर देने के लिए, पूरा यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है, तो मैं उसका वेट करूँगी 1 बजे तक, उसके बाद हम निकल जाएंगे रुद्रप्रयाग के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने अपनी दीदी को क्यों नहीं रोका, तो यार आप लोग भी समझ सकते हो एक ससुराल की बेटी के लिए ना ये सब सोचना मतलब थोड़ा टफ पड़ जाता है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, जैसे मैं अपनी मनमानी कर सकती हूँ जो मेरा मन करेगा, लेकिन जो ससुराल की मतलब जो ससुराल की बहू होती है तो उसको सबको पूछ के ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसके घर वाले भी बोलते हैं अगर मैं उसको रोकती कि पेपर मत दे, तो उसके ससुराल वाले बोलते ना कि तू इतनी तैयारी कर रही है, इतनी दूर गई और उसके बाद तू बोल रही है कि मैं पेपर नहीं दे के आई और मैं ऐसी वापस आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भी देखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैंने उसको नहीं रोका, वो चलेगी है पेपर देने के लिए और अभी मैं उसका वेट करूँगी यहाँ पे 1 बजे तक। उसके बाद अगर यहाँ से गाड़ी मिलेगी तो डायरेक्ट रुद्रप्रयाग चलेंगे, नहीं तो पहले श्रीनगर, वहाँ से फिर रुद्रप्रयाग की गाड़ी पकड़ लेंगे। तो दोस्तों दीदी जा रखी है पेपर देने के लिए और मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने यहाँ पे चाय और पकौड़ी खा रही हूँ और आंटी जी यहाँ पे हमें चाय बना के दे रहे हैं। धन्यवाद आंटी जी। हेलो बोला, घनसाली के रहने वाले आप? अच्छा, तो आंटी जी घनसाली की रहने वाली हैं और अभी क्योंकि पेपर को छूटने में लगभग 2 घंटे हैं तो तब तक मुझे भूख भी लगी जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ चाय पकौड़े। क्योंकि यहाँ पे सारी मतलब कम कम ही दुकानें हैं, छोटा ही मार्केट है, तो यहाँ पे पराठे वगैरह कुछ भी खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे चाय पकौड़ी मिल रही थी तो मैंने सोचा खा लेती हूँ अभी। तो यहाँ पे मस्त करके चाय पकौड़ी खाते हैं। दोस्तों पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे दीदी का वेट कर रही हूँ और लोग भी आ रखे होंगे मेरी तरह, तो वहाँ पे वेट कर रहे हैं। और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है ना कसम से, टिहरी का मौसम मतलब इतना चेंज होता है ना मिनटों में, तभी धूप आ रही है, तभी गर्मी हो रही है, तभी ठंडा हो रहा है, पक्का बीमार होने वाली हूँ मैं यहाँ से जाने के बाद। 5 मिनट के लिए धूप आ रही है, फिर हवा चल रही है, फिर हल्की सी बारिश आ रही है, मतलब पूरा मसूरी वाला मौसम हो रखा है। तो थोड़ी देर में ही दीदी आने वाली है, बस 5-10 मिनट बचे हुए हैं पेपर छूटने के लिए, मतलब 12:55 हो गया है, तो थोड़ी देर में दीदी भी आ जाएगी, उसके बाद निकलते हम यहाँ से श्रीनगर के लिए या फिर रुद्रप्रयाग के लिए। तो दोस्तों अभी पेपर छूटा है और सारे बच्चे निकलने लगे हैं, दीदी बस आने वाली होगी, कब से वेट कर रही हूँ मैं उसका, बाप रे बोर हो गई मैं तब से यहाँ पे। अभी दीदी भी आ गई है पेपर देके और अब हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, या तो हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा बोराड़ी, या फिर अगर यहीं से मिल गई तब तो ठीक है, गाड़ियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कितने सारे स्टूडेंट हैं और गाड़ियों का आज नामो निशान नहीं है भाई। देखते हैं कितनी देर में हमें गाड़ी मिल।
अभी 3:30 हो रहा है और अभी हम श्रीनगर में पहुँच गए हैं। अभी स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं क्योंकि भूख लगे, रास्ते में गाड़ी कहीं पर भी नहीं रुकी तो भूख भी लगी। अब यहीं पर कुछ खाएँगे खाना पीना, उसके बाद निकलेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं वाटिका रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे हमने मोमोज, चाउमीन और कॉफ़ी ऑर्डर करी है। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी ना, सुबह से कुछ नहीं खा रखा था भाई मैडम साहिब ने। मैंने तो खा लिए थे चाय पकौड़े, पर इसने कुछ नहीं खाया था सुबह से। दोस्तों अभी लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग घर पर पहुँचे हैं। और जैसे मैं व्लॉग एंड करने की तैयारी कर ही रही थी, मैंने सोचा अभी व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो वैसे क्या खबर मिलती है हमको? वैसे ही न्यूज़ आ रही है, यूट्यूब खोला मैंने तो उसमें उत्तरकाशी से कोई वीडियो वायरल हो रही है कि वहाँ पे पेपर लीक हो गया है। हाँ, तो मतलब जो चीज़ हम सुबह बोल ही रहे थे कि मतलब इस पेपर का भी कोई भरोसा नहीं है, मतलब ये पेपर भी लीक हो सकता है, फिर से कैंसिल हो सकता है, तो वही हुआ। मतलब मेरा पेपर ना देने का डिसीजन सही था, मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। पता नहीं सच है वो न्यूज़ या झूठ है। अरे बिल्कुल सच ही होगा यार, थोड़ी देर में पता चलेगा। आज तक सच होता है तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये गेम हो गया है बिल्कुल कि पेपर दो उसके बाद लीक होगा फिर से जाओ, ये सब मतलब हो गया गेम है। आयोग गेम खेल रहा है सबके साथ, सही में सब बंदर खाने वाले बैठे हुए हैं। हाँ, और जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। तो काफी बच्चे बोल रहे थे कि जो पेपर मिलता है उसकी पूरी सील निकली हुई थी। तो डीएम वगैरह भी आ रखे थे ना वहाँ उत्तरकाशी में, डीएम आ रखे थे वहाँ पे, तो क्या ही करेंगे यार। हमारा मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा है तो डीएम क्या करेंगे, मतलब किसी से भी उम्मीद नहीं रख सकते हम तो। बस ऐसे में तो मन करता है पढ़े ही ना, वही तो हर कोई युवा यही तो सोचेगा फिर कि पढ़ाई करके क्या फायदा है। लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, कोचिंग की फीस दे रहे हैं, रूम का रेंट दे रहे हैं। सही बात है, मतलब लास्ट में फिर कुछ बोलने के लिए ही नहीं है यार। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना ये सब सुन के, मतलब वहाँ जब बच्चे आ रहे थे उनको देख रही थी ना मैं, इतना मतलब पेपर सेंटर पे पहुँचने तक भी पढ़ाई कर रहे थे, देख रहे थे कि मतलब कोई क्वेश्चन याद हो जाए या कुछ भी, मतलब पढ़ाई कर ही रहे थे, रिविजन कर ही रहे थे। और उसके बाद देखा लास्ट में कि पेपर लीक हो जाता है, तो बहुत बुरा लगता है यार। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। मतलब सुबह से आज इतना भागा दौड़ी हो गई और घर में पहुंचते ही फिर ये न्यूज़ भी मिल गई। तो अब तो मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं पेपर देने जाने वाली हूँ, ये जाएगी पता नहीं, पर मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा अब। तो आज पूरे के ब्लॉग साल पेपर ही देंगे शायद, मुझे लग रहा है हर महीने तो, पेपर ही होंगे 2023 में यही होने वाला खाली। हाँ, पटवारी ने तो ज़्यादा ही कर दिया भाई इस बार। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।